हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे आज हम करेंगे एक्सरसाइज थर्ड में क्या है बच्चे? मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हम क्या है इसका? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी मल्टीप्लिकेशन की थी बच्चे, अब भी मल्टीप्लाई ही है। देखो कैसे करना है। फर्स्ट सम करेंगे आज हम। फर्स्ट सम के ये 12 पार्ट हैं, ये 12 पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं आज। देखो फर्स्ट क्या है, ए पार्ट है 5135 की मल्टीप्लाई करनी है 43 से। मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है बच्चे? 43 से। देखो कैसे करेंगे। 3 5 15 बच्चे, इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल्स अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। 3 5 15 15 का 5 यहाँ पर कैरी यहाँ पर ले जाएंगे। 3 3 9 प्लस कैरी है 1 प्लस 1 10 हो जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 के 0 यहाँ पर कैरी यहाँ पर। 3 3 1 3 3 1 4 3 5 15 हो गया बच्चे। अब क्या करेंगे, जब हम वंस को तो हमने कर लिया, अब हम टेंस ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हम किससे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स क्या है, टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे वंस के यहाँ पे, और 10 से ही स्टार्ट करेंगे। टेंस नंबर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 5 20 20 की 0 यहाँ पर 2 कैरी। 4 3 12 12 प्लस 2 14 14 का 4 यहाँ पर 1 कैरी यहाँ पर। 4 1 4 प्लस 1 5 4 5 20। अब इसको क्या कर देंगे बच्चे, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और यहाँ पर क्या है क्रॉस, 5 प्लस 0 5 0 प्लस 0 0 4 प्लस 4 8 5 प्लस 5 10 10 के 0 यहाँ पर 1 कैरी। 1 प्लस 1 2 यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 ही है ओनली, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया बच्चे हमारा, 2,20,805 इज आवर आंसर। सेकेंड सम देखो, सेकेंड पार्ट इसका ई पार्ट देखते हैं बच्चे। अब ई पार्ट में क्या है, 19,000 इसी तरह से ही करने हैं, ये फर्स्ट की तरह ही करने हैं। 37,239 की 37 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर 4,967 की 92 से इसी तरह से ही करनी है ये भी। उसके बाद हम ई पार्ट में क्या करेंगे, 19,807 की 72 से करनी है मल्टीप्लाई। ई पार्ट में 19,807 की मल्टीप्लाई करनी है 72 से। कैसे करेंगे देखो, 2 7 14 14 का 4 यहाँ पर 1 कैरी यहाँ पर। 2 0 0 आएगा यहाँ पर, 1 कैरी है तो यहाँ पर 1 कैरी हम यहाँ ले आएंगे। 2 8 16 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी यहाँ पर। 2 9 18 18 प्लस 1 कैरी है ना, 18 प्लस 1 19 19 का 9 यहाँ पर 1 कैरी यहाँ पर। 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट में क्या है, इसमें क्या, 2 से तो हमने मल्टीप्लाई कर ली, नेक्स्ट क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस स्टेटमेंट की। 7 7 जा 49 पहले यहाँ क्रॉस लगा लेंगे, उसके बाद 7 7 जा 49 9 यहाँ पर 4 कैरी यहाँ पर। 2 0 जा 0 और कैरी को, ये 4 है तो हम यहाँ पर 4 को कैरी को यहाँ राइट कर देंगे, ये जो कैरी है। 7 8 जा 56 56 का 6 यहाँ पर और 5 कैरी आ जाएगी। 7 9 जा 63 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 68 यहाँ पर और 6 कैरी। 7 1 जा 7 प्लस 6 13
अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चे, ऐड कर देंगे। फोर यहाँ पे क्रॉस है तो ओनली फोर ही आ जाएगा। नाइन प्लस वन टेन, कि जीरो यहाँ पर वन कैरी। सिक्स प्लस वन सेवन, प्लस फोर इलेवन, इलेवन का वन यहाँ पर वन कैरी आ जाएगी। नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स यहाँ पर वन कैरी आ जाएगी। थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू यहाँ पर वन कैरी आ जाएगी। थ्री प्लस वन फोर, यहाँ पर ओनली वन है तो वन ही आ जाएगा। अब हमारा ये आंसर क्या आया बच्चे, क्या आया बच्चे आंसर हमारा, 14,26,104 इज आवर आंसर। आगे बच्चे समझ, नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट में नेक्स्ट एफ पार्ट भी इसी तरह करना है, जी भी, और एच देखते हैं हम। एच में क्या है, 42,135 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, 42,135 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, किससे करनी है, 533 से। कैसे करेंगे देखो, 3 5 15 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी। 3 3 9 प्लस 1 10, 10 के 0 यहाँ पर 1 कैरी। यहाँ पर 3 3 1 3 प्लस 1 4, 3 2 6 3 4 12, 1 क्रॉस लगा देंगे नेक्स्ट में। अब 3 से ही मल्टीप्लाई करनी है, अभी हमने क्या किया था बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई की थी इस नंबर की, अब दोबारा से 3 से ही मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर की। इट मीन्स क्या ये सेम आ जाएगा, तो हम क्या राइट कर देंगे, पहले क्या आया है यहाँ पे, यही नंबर है हम यहाँ पर जो आंसर आया हमारे, यही राइट कर देंगे हम यहाँ पर। 5 0, ये 4 यहाँ पर, ये 6 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, और ये 1 यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 क्रॉस लगा देंगे। 100 की मल्टीप्लाई करनी है ना बच्चे, 100 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे राइट करना हम। ये 1 से मल्टीप्लाई की थी, फिर 10 से की थी, तो 1 से मल्टीप्लाई की थी तो 1 से लिखना स्टार्ट किया था, 10 से की थी तो 1 क्रॉस लगाया था, 10 से ही लिखना स्टार्ट किया था। अब 100 की मल्टीप्लाई करनी है, 500 की मल्टीप्लाई करनी है ना, 500 पे है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस लगाकर 100 से ही राइट करना स्टार्ट करेंगे। 5 5 25 25 का 5 यहाँ पर, 2 कैरी यहाँ पर। 5 3 15 प्लस 2 17, 17 का 7 यहाँ पर, 1 कैरी। 5 1 5 प्लस 1 6, 5 2 10, 10 के 0 यहाँ पर, कैरी यहाँ पर। 5 4 20 प्लस 1 21। अब हम क्या करेंगे, इसको इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 यहाँ पर क्रॉस है दोनों, इट मीन 0 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 5, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17 का 7 यहाँ पर, 1 कैरी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 यहाँ पर, 1 कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, यहाँ पर ओनली नंबर 2 ही है। ये हमारा बच्चे आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा था ई पार्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एच पार्ट देखते हैं बच्चे। सॉरी बच्चे, ये एच पार्ट ही था, नेक्स्ट हम करते हैं ये के पार्ट। 4,225 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 2,805 से। देखो कैसे करेंगे, 4,225 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 2,805 से। देखो 5 5 25 5 25 का 5 यहाँ पर, 2 कैरी। 5 2 10, 10 प्लस 2 12 का 2 यहाँ पर, 1 कैरी। 5 2 10,
टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन का वन यहाँ पर वन कैरी, फाइव फोर सा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चे, जीरो। जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चे, जीरो ही आता है। तो हम सारे नंबर्स में जीरो राइट कर देंगे। फोर नंबर्स है ना यहाँ पर, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पर जीरो के फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो के टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो के फिर फोर से करेंगे तो फोर, सॉरी जीरो, जीरो के फोर से करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आंसर आता है। अब हंड्रेड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एट हंड्रेड से करेंगे, हम क्या करेंगे टू क्रॉस लगा देंगे। एट फाइव जा फोर्टी, फोर्टी का जीरो यहाँ पर फोर कैरी। एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी की जीरो यहाँ पर टू कैरी। एट टू जा सिक्सटीन प्लस टू एटीन, एटीन का एट यहाँ पर वन कैरी। एट फोर जा थर्टी टू, थर्टी टू प्लस वन थर्टी थ्री। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई कर ली हमने, अब नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर हमने टू क्रॉस लगाए हैं, अब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री क्रॉस लगा देंगे। नंबर सब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर, राइट करना स्टार्ट करेंगे। टू से मल्टीप्लाई करनी है ना, टू फाइव जा टेन, टेन की जीरो यहाँ पर राइट करेंगे, वन कैरी। टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट। अब ये सारे नंबर्स हमने यहाँ पर राइट कर लिए हैं मल्टीप्लीकेशन करके। अब इसके बाद कर क्या करेंगे हम, लास्ट में नंबर्स को ऐड कर देंगे। फाइव क्रॉस मीन्स जीरो, फाइव प्लस जीरो जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा फाइव।